अगर ये सी वन और सी टू है और मान लो अगर वी वोल्ट लगाते हो इन दैट केस देखना वो वी वोल्ट डिवाइड हो जाता है दोनों में एज वी वन और वी टू। तो अगर मान लो इसके अक्रॉस वी वोल्ट लगाते हो इन दैट केस इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले निकाल लेते तो वो तो हो जाएगा 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 यानि C1 plus C2 by C1 C2 यानि C equivalent is equal to C1 C2 by C1 plus C2 ये आगे। अब देखो Q क्या होगा, Q होगा C equivalent into V यानि C1 C2 V by C1 plus C2 ये आगे। तो ये जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा इन दोनों में इसमें Q और इसमें भी Q तो वो आ गया C equal into V यानी C1 C2 V by C1 plus C2 ठीक है। और V1 क्या होगा Q by C1 यानी C2 by C1 plus C2 into V और V2 क्या होगा Q by C2 C1 by C1 plus C2 into V। वैसे मैंने कल करा दिया था बट फिर मैंने एक बार रिवाइज इसलिए करा दिया क्योंकि क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर गिना ठीक है ना, ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर गिना जाता है इसलिए मैंने एक बार इसको रिवाइज किया। तो दैट इज मोर लेस द एंड ऑफ द डिस्कशन इन सीरीज। इसके अलावा क्वेश्चन करेंगे तब और थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा कि सीरीज में क्या होता है ना। अब हम चलते हैं पैरेलल इसमें कुछ पूछना तो नहीं किसी को, एक बार चेक कर लो। चलो एज नोबडी इज आस्किंग तो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं सब आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं पैरेलल। अब पैरेलल में क्या है, तो पैरेलल में ये होगा ठीक है। तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, वैसे मैंने तीन ड्रॉ किया does not mean कि 3 के लिए वैलिड है, 3 हो 30 हो 27 हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या है देखो कि सपोज तुमने V वोल्ट अप्लाई तो देखो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर V वोल्ट होगा तो इसके पास कैपेसिटर कभी V वोल्ट होगा, इसके पास कैपेसिटर कभी V वोल्ट होगा और इसके पास कैपेसिटर कभी V वोल्ट होगा, यानी V is और All capacitors, यानी सारे capacitors के लिए वोल्टेज सेम ठीक है। सर इसका रीजन क्या कहा आपने? हाँ बेटा सर इसका क्या रीजन कहा आपने? ये रीजन ये कि देखो अगर इन दोनों पॉइंट के पास वोल्टेज भी है तो चाहे एक देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो इस पाथ के अक्रॉस भी वोल्टेज भी होगा, इस पाथ के अक्रॉस भी वोल्टेज भी होगा और इस पाथ के अक्रॉस भी वोल्टेज भी होगा। इस पाथ के क्रॉस वोल्टेज वी मतलब क्या था, हर कैपेसिटर पे वोल्टेज वी हुआ, इसमें ये हो गया पैरेलल का फीचर कि हर एक का वोल्टेज सेम होता है। जैसे सीरीज का मैंने क्या फीचर बताया था, हर एक का चार्ज सेम होता है, मैंने बताया था ना सीरीज के लिए। सिमिलरली पैरेलल में क्या होता है, हर एक का वोल्टेज सेम हो जाता है ठीक है ना। अच्छा और क्या, अगर मान लो इसमें क्यू चार्ज था तो मान लो इसका सी वन कैपेसिटर, इसका सी टू और इसका सी थ्री, ये जो क्यू चार्ज जाएगा ना वो बट जाएंगे, क्यू में से कुछ यहां पे जाएंगे तो ये प्लस माइनस सपोज क्यू वन है, ये प्लस माइनस सपोज क्यू टू है और ये प्लस माइनस सपोज क्यू थ्री है, यानी ये जो क्यू चार्ज सिस्टम में एंटर कर रहा है दैट विल गेट डिवाइडेड इनटू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री ठीक है ना। सो क्यू विल बी इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री ठीक है ना। तो Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 ये आ गया। अब सपोज मैं तुमको कहता हूं
कि क्या दो दो तीन तीन चार चार कैपेसिटर लगा, हटाओ इनसे और इनको रिप्लेस कर दो, और इनको रिप्लेस कर दो बाय सिंगल कैपेसिटर। तो क्या करोगे? तो पहली बात तो सिंगल कैपेसिटर को अगर इक्विवेलेंट मानते हो तो किस वजह से इक्विवेलेंट मानोगे? थोड़ा सा वजह समझो। अगर मान लो एक सिंगल कैपेसिटर को यूज करके और अगर वी वोल्ट में देता हूं जैसे यहां पे दिया मैंने और उसमें भी क्यू चार्ज आता है तो ही उसको इक्विवेलेंट मानेंगे। यानी इक्विवेलेंट उसको तब मानेंगे जब एक सिंगल कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट हो जिसके अक्रॉस वी वोल्ट हो और जिसके ऊपर चार्ज क्यू हो। ए वन अब बता आइडिया लग गया। तो क्या होगा? Q is equal to C equivalent into V. याद है? Q is equal to C equivalent into V. आ गया ना? अच्छा, ये हो गया equivalent वाला कारण। चलो इधर एक साइड में रख देता हूं मैं। अब देखो Q को मैं लिखूंगा C equivalent V, तो लिख देता हूं C equivalent into V। अच्छा, जो कैपेसिटर वन है उसका भी वोल्टेज भी है और उसका कैपेसिटेंस C1 है तो उसका चार्ज क्या होगा? C1 into V, यानी Q1 हो जाएगा C1 into V, Q2 हो जाएगा C2V, Q3 हो गया C3V and so on। आ गया ना? कैंसिल कर दो तो therefore C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3। तो C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. Now that is what the case is. यानी अब मैं इंटरेस्टिंगली देख रहा हूं कि रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला कैपेसिटर्स के सीरीज पैरेलल के उल्टा है या नहीं? देखो यहां पर ये कैपेसिटर के सीरीज में हमने जब किया था तब आया था 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, जबकि रेजिस्टेंस में पैरेलल में वो फॉर्मूला था और रेजिस्टेंस के सीरीज में जो फॉर्मूला आता है वो देखो कैपेसिटर के पैरेलल में उस तरीके का फॉर्मूला। चलो ठीक है, दैट्स ओके। अब पता क्या है कि अगर मान लो किसी कैपेसिटर में चार्ज ज्यादा है तो व्हाट डू मीन बाय दैट? जैसे सपोज Q3 या कोई जनरल नंबर ले लो Qi greater than Qj। मतलब क्या कि जैसे मान लो 25 कैपेसिटर्स, तो पहले वाला कैपेसिटेंस C1 उसका चार्ज Q1, दूसरा C2 उसका चार्ज Q2, तीसरा C3 उसका चार्ज Q3, इस तरीके से है सब। तो मान लो गिवन है कि Q3 is greater than Q7, इसका मतलब क्या है? वोल्टेज तो सेम है तो चार्ज तो तब ज्यादा होगा ना जब कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगा। तो यानी Ci is greater than Cj। नॉट ओनली दैट, क्योंकि क्यू आई क्या होता है? सी आई इंटू वी। क्यू जे क्या होता है? सी जे इंटू वी। So therefore, Qi by Qj is equal to Ci by C. ये रेशियो देख लो। ये छोटे-छोटे चीजें हैं, but ये noteworthy हैं। इनको दिमाग में रखो। So that क्या ना calculation हम जल्दी-जल्दी question में जब जरूरत होता है हम calculation जल्दी-जल्दी कर। ठीक है, चलो। मैंने सीरीज में बताया था लास्ट कंक्लूजन कि दो कैपेसिटर वाला कंक्लूजन अच्छे से याद कर, ऐसे ही पैरेलल में भी बताऊं कि दो कैपेसिटर वाला कंक्लूजन अच्छे से याद कर। अब बता दो कंक्लूजन क्या है ना? सपोज सपोज दो कैपेसिटर्स और
उसमें क्यू चार्ज आ रहा है, तो देखना उस क्यू में से, क्योंकि क्यू आने के बाद बढ़ जाएगा, तो ऊपर वाले में कुछ जाएगा Q1 और नीचे वाले में लेट से Q2, तो यहां पे हो जाएगा सपोज Q1 और यहां पे सपोज Q2, और सवाल ये है कि Q1 और Q2 के वैल्यूज क्या होंगे, ये सवाल, ठीक है। तो एक काम करता हूं, पहले तो CQ है, क्या होगा पहले, तो सिंपल है, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 plus C2, I think that's easy। फिर आता है वोल्टेज, वोल्टेज क्या होगा, तो सपोज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मैं लिख रहा हूं V, तो V क्या होता है Q by C, इस केस में Q by C equivalent, है ना, तो therefore V is equal to Q by C equivalent Q by C1 plus C2। Now let's say आप वोल्टेज क्यों निकाल रहे हो, आप जो है वोल्टेज क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मुझे चार्ज निकालना है Q1 that is equal to C1 V, और Q2 that is equal to C2, अब भी तो आ चुका है, तो C1 V का मतलब क्या होता है, तो भी है, यानी C1 by, ठीक है ना, C1 plus C2 into Q, और ये हो जाएगा C2 by C1 plus C2 into Q, ठीक है। अब देखो दोनों में ही जब सीरीज थे उसमें भी एक फॉर्मूला आया था C1 by C1 plus C2, और C2 by C1 plus C2, इसमें भी एक फॉर्मूला आया C1 by C1 plus C2 और C2 by C1 plus C2, तो ये जो चीज है ना ये देखना अक्सर आएंगे, अभी देखना और जगह पे आएंगे, इसलिए इसका स्कीम देख लो, बेसिकली तुमको समझना क्या, समझना ये कि जो चार्ज आ रहा है ना वो कैपेसिटर के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है, एक का फ्रैक्शन हो गया C1 by C1 plus C2, और दूसरे का फ्रैक्शन हो गया C2 by C1 plus C2। अब इसमें याद रखने लायक ये क्या चीज है वो जरा समझो, Q1 में C1 है और Q2 में C2 है, अभी वैसे ठीक है ये तो ऑब्वियस नहीं है कि Q1 में 1 2 में 2, इतना ऑब्वियस भी नहीं है, लास्ट क्लास में हमने वोल्टेज को डिवाइड किया था, जरा देखो कैसे आ रहा था, लास्ट क्लास में जब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड किया था, इसमें आज भी मैंने इसे रिपीट किया, उसमें क्या आया था, V1 में आ रहा था C2 by C1 plus C2 into V, और V2 में आ रहा था V1, sorry, C1 by C1 plus C2 into V, देख रहे उल्टा, यानी V1 में ऊपर C2 आ रहा और V2 में ऊपर C1 आ रहा, तो इसलिए वोल्टेज के केस में जब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है तो वो कैपेसिटेंस के उल्टे रेशियो में डिवाइड होता है, और पैरेलल में जब चार्ज डिवाइड होता है तो वो कैपेसिटर के रेशियो में डिवाइड, इसलिए 1 के साथ 1 है 2 के साथ 2 है, जबकि जब सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है तो फॉर्मूला कैसे था, तो V1 is equal to C2 by C1 plus C2 into V, और V2 आया था C1 by C1 plus C2 into V, आया था ना, यानी V1 में C2 और V2 में C1, यानी देखो आज मैंने क्या चीज सीखा है, मैंने सीरीज पैरेलल पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ दो एंड रिजल्ट पे बार बार ध्यान दिला, क्योंकि देखना यही सबसे काम का रिजल्ट, और वो है सीरीज में दो कैपेसिटर के केस में वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है ना, उल्टे रेशियो, और पैरेलल में अगर चार्ज आता है दो कैपेसिटर के पास पैरेलल में तो चार्ज कैसे डिवाइड होता है, सिमिलर रेशियो 1 का 1 2 का, बस ये यही चीज सिखाने के लिए मैंने इतना डिटेल में लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप यू हैव नोटेड दिस पॉइंट इन द माइंड एंड आल्सो इन द कॉपी आल्सो। कॉपी में तो चलो नोट करोगे, बट माइंड में भी नोट करोगे, कैसे एक में रेशियो में डिवाइड हो रहा है
और एक में उल्टे रेशियो में डिवाइड हो रहा है, उसके वजह से उसका कंसिस्टेंस। ठीक है, सपोज है 6 फैराड और ये सपोज 4 फैराड, ये 8 फैराड और वोल्टेज है मान लो 60 वोल्ट। तो तुमको क्या करना है, तुमको जो है क्या एक काम करो, वोल्टेज का तो 6 वोल्ट का बैटरी है और तुमको क्या करना है, तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना और एनर्जी भी बताना। तो फाइंड आउट दी चार्ज हो गया 6 फैराड वाले का, 4 फैराड वाले का, 8 फैराड वाले का। चार्ज, वोल्टेज और एनर्जी, तीनों चीजें निकालना है। तो मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, ठीक है, हल्का सा पॉज कर रहा हूं और इसको निकाल, चलो जल्दी कर। कुछ कुछ आंसर्स तो आ रहे हैं वैसे, अरमान ने दिया है, मनस्वी अभी भी ब्लर आ रहे क्या वीडियो? ये वीडियो ब्लरिंग हो रहा है क्या सर? वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो है लेकिन ब्लर तो नहीं आ रही। अच्छा, देखो अब हम कैपेसिटर कैसे निकालेंगे चार्ज वो देने। पहली बात तो एक काम करते हैं, सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो क्या आएगा, 8 + 4 = 12, यानी ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 6 and 12, ये हो गया 6 volt, 6 farad और 12 farad। ठीक है, 6 वोल्ट के साथ 6 फैराड और 12 फैराड, ये हो गया और ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू, अब 6 और 12 मिलके कितना हो जाएगा, 4 फैराड, सही हो जाएगा 4 फैराड और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 वोल्ट 4 फैराड, तो क्या हो जाएगा, याद करके देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना कि सीरीज में कितना होता है, C1 C2 by C1 + C2, तो C1 C2 by C1 + C2 यानी 6 × 12 by 6 + 12 यानी 72 by 18 यानी 4। 72 by 18 यानी 4। ओके, अच्छा अब देखो, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 4 फैराड, तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा इसका चार्ज, यानी यहां से निकला 24 कूलम, तो इसका तो हो गया 24 कूलम। अच्छा, अगर चार्ज 24 कूलम होता है तो वोल्टेज क्या होता है, Q/C, क्यों तो 24 है, C 6 है, तो वोल्टेज क्या होगा, 24/6 यानी 4 होगा, तो जो 6 फैराड है उसका चार्ज आ गया 24 कूलम और वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट। अब देखो
बैटरी से मैंने दिया कितना 6 वोल्ट, अगर 4 वोल्ट यहाँ पे होगा यानी यहाँ पे बाकी होगा, जैसे अगर इसके पास 4 वोल्ट आ जाए तो ये तो 4 वोल्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर इसके वोल्ट क्या होगा, क्योंकि टोटल मिला के 6 वोल्ट होना होता है, यानी इसका 2 वोल्ट हो गया, यानी यहाँ पे हो गया इक्विवेलेंट, है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों का इक्विवेलेंट तो ये है ना 12 वोल्ट, तो अगर इसका इसका 4 वोल्ट होता है तो इसका 2 वोल्ट, यानी यही 2 वोल्ट फिर यहाँ पे होगा। अब इसका मतलब क्या, वो जो दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है उनके वोल्टेज तो आ गए 2-2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में इसलिए वोल्टेज सेम होगा, तो दोनों के 2-2 वोल्ट, तो चार्ज क्या होगा, C × V, यानी C × V, यानी 4 फैराड वाले का हो जाएगा 8 कूलम, और इसका क्या होगा, इसका भी C × V, यानी 8 × 2, यानी 16 कूलम, और वोल्टेज दोनों पैरेलल में है, दोनों का 2 वोल्ट, ठीक है। यहां तक असली क्वेश्चन यहीं तक था, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये वाला देख लो अच्छे से, कोई चीज डाउट के लिए मत रखो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सर्किट है, बेसिक अगर आएगा तो हम एडवांस की तरफ आगे जा सकते, अगर इसी में अटक रहा है, इसी में अभी अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है या स्लो हो रहा है या कहीं अटक रहा है तो फिर आगे और डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए तसल्ली से जो जो चीजें मैंने समझाने की कोशिश किया है लॉजिक के साथ, वहां पे या उस लॉजिक में जहां दिक्कत हो रहा है वो पहले सॉर्ट आउट करो, तो ही हम आगे जाएं, ठीक है। मैं थोड़ा हट जाता हूं, और इन द मीनवाइल अच्छे से देखो क्वेश्चन को, और फिर जो छोटे मोटे सवाल है दिमाग में उनको बिल्कुल बरी मत करो कि चलो छोटा मोटा चीज है ये तो बाद में देख लेंगे, बिल्कुल नहीं, अभी अभी के अभी क्लियर करोगे तो ही देखना समझ में आएगा। चलो आप बताओ, कुछ पूछना है इसमें से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से आ गया और वोल्टेज अच्छे से देखो, ठीक है। ध्रुव ने चार्ज और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, ठीक है, इट्स फाइन। हाँ ध्रुव कुछ पूछ रहे थे। सर मेरा इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है, बट इन जनरल डाउट है। सर जैसे जो कॉम्प्लेक्स थोड़े से सर्किट्स होते हैं सर, उसके अंदर कैसे, मतलब कभी कभार ना आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। देखो, तो पहली बात तो, हाँ, समझ रहे हैं। देखो पहली बात तो जब तक ब्रांचिंग ना तो ही जाके ब्रांचिंग में पैरेलल होता है। ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, ब्रांचिंग मतलब होता है कि किसी एक तार से चार्ज जा रहा था, वहां से 2 मिनिमम 3 4 5 6 जितना मर्जी वायर में चार्ज बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, अगर होता है तो ही पैरेलल का चार्ज, ये हो गया नंबर वन। नंबर टू इज दैट, अब ये नंबर टू भी इक्वल इंपॉर्टेंट है, कहीं पर लगता है चलो ठीक है वन तो समझ आ रहा है, नहीं नहीं नंबर टू भी समझो, कहीं सिर्फ ब्रांचिंग होने से पैरेलल नहीं हो जाता है, पैरेलल होने के लिए एक और क्राइटेरिया भी होना चाहिए, क्या, 2 कॉमन पॉइंट के अक्रॉस कैपेसिटर्स जुड़े होने चाहिए, तभी जाके वो दोनों पैरेलल माना जाएगा, सिर्फ ब्रांचिंग से नहीं होगा। जैसे सपोज एक कैपेसिटर ऐसे है, एग्जांपल तो सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन तो नहीं है, सपोज ये 2 फैराड है, ये 3 फैराड है, और ये 6 फैराड, सपोज कुछ भी ले सकते हो, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मेन थीम समझो। अगर मैं तुमसे पूछूंगा क्या यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है, तो आंसर इज यस, यहाँ पे आने के बाद इधर एक ब्रांच चला गया, इधर एक ब्रांच चला गया, ब्रांचिंग वाले सवाल का जवाब यस आएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर मैं 2 और बोलूंगा 3 क्या पैरेलल में है, सुनो मैं पूछ रहा हूं क्या कि क्या 2 और 3 पैरेलल में है, तो वो फर्स्ट क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहा, कैसे, चार्ज आया और 2 में बट गया, वो क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर रहा, पर दूसरा क्राइटेरिया भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्या, सेम 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जुड़े होने चाहिए। आप बताओ ये कैपेसिटर यहां और यहां जुड़ा हो, और ये वाला जो कैपेसिटर है वो यहां और यहां कहीं जुड़ा, कॉमन पॉइंट तो नहीं है ना, देयरफॉर 3 और 2 पैरेलल में नहीं है, ब्रांचिंग हो रहा बट सेकेंड वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर। अच्छा इस क्वेश्चन में पैरेलल कुछ नहीं है,
है, रुको रुको रुको, पैरेलल है, पता क्या, इन दोनों मिला के जो उसका इक्विवेलेंट बनता है वो इसके साथ पैरेलल है। क्यों? ये अगर तुम इन दोनों को मिला के इक्विवेलेंट बना दोगे, अगर इन दोनों को मिला के इक्विवेलेंट बना दोगे, आप देखो दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर, एक तो ये कि यहां से चार्ज आया ब्रांचिंग हो गया, और दूसरा है कि देखो दो कॉमन पॉइंट के बीच में दोनों कैपेसिटर्स जुड़े, अब दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, अब ये दोनों पैरेलल में, लेकिन ये दोनों पैरेलल में नहीं हुआ। और देखना सबसे कॉमन मिस्टेक यही हो जाता है, हम इन दोनों को पैरेलल लेके सॉल्व कर देते, जी नहीं, ये मिला के और ये अब पैरेलल में, दैट्स हाउ इट इज सपोज्ड टू बी इंटरप्रेटेड। यानी दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस जुड़े होने चाहिए, ब्रांचिंग तो चाहिए, ये सारा का सेटिस्फाई हो रहा है तब जाके पैरेलल बन, और सीरीज में क्या कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए, कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, इस दैट कई बार ना प्योर सीरीज होता है और ना ही कई बार प्योर पैरेलल होता है, वो क्वेश्चंस और थोड़ा टफ होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सर्किट। एक होता है कैपेसिटर के पैरेलल सर्किट, एक होता है कैपेसिटर के सीरीज सर्किट, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क सर्किट। वो भी होता है कई बार कि ना उसमें तुमको सीरीज मिल पाएगा ना पैरेलल, वो भी मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। इन द मीनवाइल पहले अरमान का क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर मैं एग्जांपल ऐसे देना चाहूंगा जहां पे तुमको ना सीरीज मिलेगा प्योरली और ना ही पैरेलल। हां बोलो अरमान। सर मैं यही पूछ रहा था कि ये 2 और 3 फिर किस में माने जाएंगे, सीरीज में भी नहीं है पैरेलल में भी नहीं है, ये 2 और 3 कुछ भी नहीं है, ना सीरीज ना पैरेलल, कुछ भी नहीं, उसका कोई नाम नहीं होगा। सीरीज पैरेलल के लिए क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो 2 और 3 किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता। लेकिन 3 और 6 मिला के अगर एक कैपेसिटर इमेजिन करें हम, वो पैरेलल में होगा 2 के साथ, ये चीज। या इसको एक और लैंग्वेज में बोल सकते हो दैट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 और 6 इज इन पैरेलल विद 2, दैट लैंग्वेज कैन बी यूज्ड। बट तुम पूछोगे 2 और 3 कैसे है, कुछ भी नहीं, ना सीरीज ना पैरेलल, ठीक है ना, क्योंकि ब्रांचिंग वाला क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया होता है, दूसरा क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तब जाके पैरेलल बन जाएगा, ऐसे वैसे पैरेलल नहीं होता है, ठीक है ना। चलो आई थिंक नाउ वी आर मोर लेस डन क्वाइट अ बिट ऑफ इट, बट मैं एक चीज और कराना चाहता हूँ आज। देखा होगा एनर्जी के लिए मैंने काफी जगह छोड़ रखा है, उसके पीछे रीजन इज दैट एनर्जी के टाइम याद करके देखो, एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था Q2/2c, फिर हमने उसको CV2/2 भी लिखा और हमने QV/2 भी लिखा, याद आ रहा है ना। और उस समय हम लोग एक डिस्कशन किए थे, थोड़ा बहुत डिबेट भी किए थे, बट मैंने बहुत अच्छे से कन्विंस नहीं किया था, मैंने लॉजिकली कन्विंस किया था, एग्जाम्पल लेके कन्विंस नहीं किया। आज मैं एग्जाम्पल लेके भी कन्विंस करना था, लॉजिकली तो मैंने बता दिया क्या कि कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, कहीं पे भी सीरीज में पैरेलल में कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला यूज करो, तीनों से एक ही आंसर आए। ऐसे मत सोचो कि Q2/2c ऐसे होता है, हाफ CV2 ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करो, तीनों करेक्ट आंसर दे किसी भी क्वेश्चन। जैसे अब एक काम करो, 6 फैराड में एक काम करो, 6 फैराड वाले कैपेसिटर में, ठीक है, तुम जो है Q2/2c का फॉर्मूला लगाओ, तो Q2 = 24 × 24 / 2 × 6, तो क्या आएगा 48 आएगा, है ना। Q2/2c कैसे, 6 × 12 है, तो 12 के साथ एक आंसर होगा 2 और 2 × 24 = 48, यानी एनर्जी 48 आ, है ना। अगर मैं 4 फैराड का देखता हूं तो 4 फैराड का चार्ज कितना है, 8 कूलम, तो 8 कूलम और इसका आया है 16 कूलम। तो अगर मैं 4 फैराड वाले का Q2/2c करूंगा तो क्या है, 8 स्क्वायर, यानी 8 × 8 अपॉन 2 × सी मतलब हो गया 4, यानी 8 जूल, ज्यादा कठिन। और 8 फैराड वाले में क्या आएगा, Q2 यानी 16 × 16 / 2 × 8, यानी इसका 16 जूल आ गया।
यानी q स्क्वायर बाय 2c यूज करके इसका 48 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है और इसका 16 आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मैं काम करता हूं मैं cb स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला यूज करता हूं। मैं जो है cb स्क्वायर बाय 2 फॉर्मूला यूज करता हूं, देखता हूं क्या आता है रिजल्ट। तो cb स्क्वायर मतलब हो गया c, मतलब हो गया 6 इंटू वी स्क्वायर, वी मतलब 4 क्या आ रहा है देखो, 16 इंटू 6 96 बाई 2 48 आया था ना ऊपर, तो देख रहे हो यानी q स्क्वायर बाई 2 से यूज करो या cb स्क्वायर बाई 2 यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आता भी सामने देख। अब आ जाओ 4 फैरेड वाले का cb स्क्वायर बाय 2, तो c हो गया 4 इंटू वोल्टेज है 2 आ गया ना 8 जूल, इसका 48 जूल, इसका 8 जूल, इसका भी देखो ऊपर के भी सॉल्व करके 8 जूल आया। और अगर इसका cb स्क्वायर बाय 2 करो तो 8 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2 आ गया ना 16, ये भी तो 16 ही आया था। यानी q स्क्वायर बाय 2 से यूज करो, cv स्क्वायर बाय 2 यूज करो, एक ही बात है। अब एक फार्मूला रह गया, वो है qv बाय 2, उससे भी देखना वही है। इसका q कितना है ना 24 और v हो गया 4, तो ये 24 into 4 divided by 2। और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा ना qv बाय 2, तो q तो 4 फैरेड वाले का q कितना 8, तो q अब आ जाओ इसका, इससे कितना आ जाएगा क्यू वी बाई टू, तो एक फर्क वाले क्यू 16 इंटू बी बाई। अब देखो तीनों फॉर्मूला में तीनों कैपेसिटर में यूज किया हूं, 48, कहां दिक्कत आता है। कई बार देखना तुम्हारे फ्रेंड्स भी एक आध बार आके बोलेंगे यार ये समझ में नहीं आ रहा है, cb स्क्वायर बाय 2 और qb से अलग आंसर आ रहा है और q स्क्वायर बाय 2 से अलग आंसर आ रहा है। पता है कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वोल्टेज बोलते हैं सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सेल का वोल्टेज। तो देखो मैंने वोल्टेज क्या यूज किया है, देखो मैंने क्यूबी बाई टू यूज किया, मैंने वी का यूज किया 4, क्यों, क्योंकि इसका 4 वोल्ट है। अब मैं बताता हूं मिस्टेक कहां पे करते हैं, वोल्टेज बोलते हैं हमें सेल का वोल्टेज याद रहता है, तो हम क्या करते हैं 6 को लेकर सॉल्व कर देते हैं, 6 है ही नहीं इसका वोल्टेज, इसका तो 4 वोल्ट है ना। अब तुम वोल्टेज ऑफ द सेल लगा के अगर सॉल्व करोगे तब तो गलत आएगा, तब तो गलत ही आएगा ये चीज। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं गलत वैल्यूज पुट करके और सोचते हैं ये मिल क्यों नहीं रहा, तो उसमें तो फिर हमारा गलती है, फॉर्मूला का गलती थोड़ी है। फॉर्मूला अगर प्रॉपरली यूज करोगे तो हर जगह से, पर हाँ एक चीज जरूर है और ध्यान से सुनना मैं, लेकिन उस चीज को बताने के पहले मैं फिर से याद दिलाऊंगा, फॉर्मूला 100% जगह पे तीनों फॉर्मूला 100% करेक्ट आंसर देंगे, बशर्त तरीके तुमने प्रॉपर तरीके से अप्लाई, पहले बता दिया मैंने कि ऑल थ्री फॉर्मूले, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ऑल थ्री फॉर्मूले गिव द सेम आंसर, पहले क्लियर कर, लेकिन साथ में एक रिजॉइंडर था। हाउएवर q स्क्वायर बाय 2c इज प्रेफर्ड इन सीरीज एंड cb स्क्वायर बाय 2 इज प्रेफर्ड
मैं ये इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ कि यही यूज करना, बट मैं कह रहा हूँ यही यूज करने तुमको फायदा है। क्यों? देखो सीरीज में सबका चार्ज सेम होगा और तुमको बार बार क्यू स्क्वायर का कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। एक बार कर लिया सबका कैलकुलेशन हो गया, सिर्फ बाई टू सी डिवाइड करते रहोगे आंसर आता जाएगा, तो तुम्हारा समय बच जाएगा, कैलकुलेशन बच जाएगा, एरर कम होगा। और कोई बात नहीं, वो अलग बात है, उसमें एक रिस्क भी रहता है। अगर क्यू स्क्वायर का आंसर गलत निकाल दिया तुमने या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो सबका आंसर गलत हो जाएगा। पर चलो उतना तो मान के चल रहे कि सही करोगे। बट द पॉइंट इज दैट सीरीज में इस फॉर्मूला यूज करने का फायदा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फॉर्मूला गलत है, बाकी भी सही है, पर इसमें थोड़ा समय बच जाए। और इसमें भी ये चीज, इसमें थोड़ा समय बच जाए। और कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो सही करेगा, फॉर्मूला को लेके कहीं कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैंने जानबूझ के देखो थोड़ा समय लगा के तुम्हारे सामने करके दिखाया कि देखो सी वी स्क्वायर बाय टू यूज करो, क्यू वी बाय टू यूज करो और क्यू स्क्वायर बाय टू यूज करो, सबसे हो जाएगा। लेकिन हाँ प्रेफर करते हैं इसलिए मैंने लिखा, इसको नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, अगली क्लास में करेंगे, बट मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जहां पे तुमको सीरीज पैरेलल नहीं मिल पाए। इस तरीके से जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होता है उसमें प्योर सीरीज और पैरेलल नहीं मिल पाता, और ना ही तुम रिड्यूस कर करके सीरीज पैरेलल निकाल सकते हो, ऐसे खिचड़ी पका हुआ रहता है। ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सर्किट, जिसमें सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, वो थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व होता है। उसके लिए हम लोग मेथड बोलते हैं किरचॉफ्स लॉस। चलो वो तो बाद में करेंगे, अभी हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है ना, अभी हम लोग एक काम करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा अब इसमें तुम सीरीज पैरेलल नहीं कर पाओ, ये जो दो कैपेसिटर मैंने जोड़ के दिया ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट है। अगर इन दोनों को हटा दो, इसको और इसको अगर हटा दो, फिर ये तीनों सीरीज में होगा, ये दोनों सीरीज में होगा, ये दोनों सीरीज में होगा, और ये दोनों अगर हटा दे तो आपस में फिर पैरेलल वो तो सॉल्व हो जाएगा। पर ये जो बीच में हमने टांग अड़ा दिया ना दो कैपेसिटर, इसके चक्कर में सीरीज पैरेलल कुछ भी नहीं, इसमें सीरीज पैरेलल नहीं बन पाए, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे आज नेटवर्क। इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो कि आज हम लोग हाईलाइट नहीं करेंगे, बाद में कभी कर लेंगे, बट ये नॉर्मल सीरीज पैरेलल से तो सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा बहुत रिड्यूस कर लोगे। जैसे ये तीनों तो सीरीज में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये तीनों को रिड्यूस करके एक बना दो, जहां जहां थोड़े बहुत दिख रहा है इक्का दुक्का तो वो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, वहां तक ठीक है, बट पूरे सर्किट तुम सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं कर पाओगे इस पर्टिकुलर ये नेटवर्क सर्किट के अंदर, ठीक है। हाँ, अगर ये दोनों हटा दो, अब ये सीरीज पैरेलल के अंदर आ गए। कैसे? ये तीनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, और ये जो इनके जो इक्विवेलेंट्स बनेंगे वो आपस में पैरेलल, और फिर उस पूरे का ये और ये जो है सीरीज में आ जाए, तो देयरफॉर सॉल्व हो जाए। अगर मैं उन दोनों को बीच वाले जो कैपेसिटर थे जो अड़चन क्रिएट कर रहा था उनको हम हटा दें तब तो सॉल्व होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। एक और एग्जांपल करेंगे सीरीज के इनफाइनाइट नेटवर्क, सीरीज के इनफाइनाइट
देखते क्या होगा। ये इनफाइनाइट नेटवर्क है, मतलब एक के बाद एक के बाद ये 3 फैराड 6 फैराड 12 24 48 96 192 इस तरीके से पूरा चल रहा, पूरा चल रहा। क्वेश्चन सुनो, नंबर 1 सी आई या सी एम, यानी एनएफ कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, क्यू एम वी एम यू एम, यानी nth कैपेसिटर, nth मतलब थर्ड वाला हो सकता है, 26th हो सकता है, 25th हो सकता है, 109th हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज वोल्टेज एनर्जी ये निकालो। और क्या अब सर्किट का निकालना है, सी क्यू एन क्यू जो निकलेगा और टोटल तो सर्किट के तीन पैरामीटर निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्ज जो निकलेगा बैटरी से और जो टोटल एनर्जी होगा मतलब सर्किट, और ये हो गया इंडिविजुअल कैपेसिटर का एनएथ कैपेसिटर, यानी कोई भी एक कैपेसिटर उठा के मैं पूछूंगा, सेवेंथ वाला उठा के पूछा बताओ इसका कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटेंस इसका एनर्जी बताओ, इसका वोल्टेज बताओ, इसका ये बताओ वो बताओ, सब चार्ज वर्ड सब इस तरीके से। कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं, अरमान ने भेजे हैं, ठीक है ना, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। देखो पहली बात तो कैपेसिटेंस का पैटर्न समझो, पहले वाले का है 3, अगला है 3 × 2 फिर अगला है 3 × 2, अगला है 3 × 3। देखो फर्स्ट टर्म है 3 का, तो 3 को मैंने थोड़ा खास तरीके से लिखा है 3 × 0, सेकंड वाले का 2 × 1, थर्ड वाले का 2 × 2, फोर्थ वाले का 3 × 3, यानी एक पावर कम है, यानी बेसिकली जीपी का सिस्टम है a r^n-1, यानी a r^n। देखो फॉर्मेट के हिसाब से एकदम बिल्कुल सेटिंग चल, ये होगा सी है। अब हम निकालेंगे सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट के लिए देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो है a + a r + a r² प्लस इस तरीके से होता है ना, a r क्यूब प्लस इस तरीके से इंफिनिटी तक जाता है, और अगर r का वैल्यू छोटा होता है मतलब मॉड r का वैल्यू अगर लेस देन 1 होता है, ऐसे में नंबर ऑफ टर्म्स अगर इनफाइनाइट भी हो जाए तो समेशन फाइनाइट होता है। हाँ अब मनस मुझे लग रहा था कि शायद जीपी नहीं पता होगा, और शायद एक मेडिकल की भी है जिनको जीपी नहीं पता होगा, कोई बात, जस्ट नोट डाउन द थिंग अराउंड से कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर होगा तो हो, ठीक है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर तुमको निकालना है, ठीक है ना, और इस तरीके से एक सीरीज है तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला a^(1 - r), तो सी इक्वेशन में इसी तरीके से निकालूंगा, कैसे, देखो
वन बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय थ्री प्लस वन बाय सिक्स प्लस वन बाय ट्वेल्व इस तरीके से। तो ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए हो गया वन बाय थ्री इज इक्वल टू ए बाय वन माइनस आर, आर मतलब दो चीज मल्टीप्लाई करो, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया हाफ, तो सिक्स वन बाय सिक्स है, हाफ मल्टीप्लाई करके वन बाय ट्वेल्व है, हाफ मल्टीप्लाई करके वन बाय ट्वेंटी फोर आएंगे एंड सो ऑन। तो वन माइनस हाफ, तो वन माइनस हाफ टू चला गया इज इक्वल टू टू बाई थ्री। ये लेकिन वन बाय सी इक्विवेलेंट है, देयरफॉर सी इक्विवेलेंट आ गया इक्वल टू। ठीक है, सी इक्विवेलेंट आ गया थ्री बाय टू आ गया। देखो है ना, चलो ये तो आ गया सी इक्विवेलेंट। अब सी इक्विवेलेंट इनटू वी होता है चार्ज, तो वी तो मैंने दिया 60 वोल्ट, तो 3 बाय 2 इंटू 60 है ना, ये हो जाएगा चार्ज सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो सी इक्विवेलेंट 3 बाय 2 है इंटू वी हो गया 60, तो चार्ज हो गया। अच्छा एक चीज है, ये सारे सीरीज में है, इसलिए Q1, Q2, Q3, Q4 सब बराबर है और वही Q होगा। तो C equivalent आ गया 3 by 2 पर चार्ज हो गया C equivalent into V, यानी 3 by 2 into 60 यानी 90 कूलम। और एनर्जी क्या होता है, Q square by 2 से यूज कर लो चले, तो Q square मतलब 90 by into 90 by 2 C, C बोलते कौन सा C equivalent, तो by 2 into, तो 3 से कैंसिल कर जाएगा, तो 2 to cancel, 3 से ये हो गया 30, यानी 2700 joules। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया कि चार्ज वही जाएगा, सब में वही जाएगा जो कि इतना, इसलिए ये तो 90 कूलम होगा। अब Vn क्या होता है ना, Q by C, तो Q तो 90 है और C क्या है ना 3 root 2 और n minus 1, 3 root 2 और n minus 1 यानी हो जाएगा 30 by, और एनर्जी के लिए Q square by 2C भी कर सकते हो और half CV square भी कर सकते हो मर्जी, कोई दिक्कत। ठीक है, तो Q square by 2C कर देता हूँ, 90 into 90 by 2 into C, C बोलते 3 into 2 to the power n minus 1, 3 into 2 to the power n, तो देखो 6 से कर लो तो अच्छा है, तो ये 30 हो गया, ये हो गया 45, तो देखो जरा कितना रहा, equal to कितना 1350 by बस। तो देखो हमने मोटा मोटा क्या किया, एक इनफाइनाइट सीरीज नेटवर्क का हमने सारा कुछ सॉल्व किया। एक बार तुम लोगों ने जो अपने अपना सॉल्व किया होंगे उसको एक बार टैली करो। देखो मेथड्स को फोकस करो कि कैसे मैंने सीरीज में इक्विवेलेंट निकाला है ना, थोड़ा सा जीपी यूज हुआ है तो जीपी का जो जरूरत है वो मैंने बता दिया, ये तो मेन चीज जीपी का। तो देखो जीपी वाला पार्ट अगर नहीं भी पता है मान लो बाय चांस, तो कोई दिक्कत नहीं,
ये कोई ज्यादा हाईफाई नहीं, समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का डायरेक्ट फॉर्मूला, ये a by 1 minus r, a क्या है फर्स्ट टर्म और r क्या है ना वो जो मल्टीप्लाई होता है ना हर टर्म को मिलने के लिए पानी के लिए, तो वो मल्टीप्लायर को हम r बोलते हैं। जैसे इस केस में देखो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो अगला मिलेगा एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से सारा कुछ तुम कर सकते, ठीक है। ठीक है चलो, आई थिंक दैट्स व्हाट वी विल हैव फॉर टुडे। आज हम लोगों ने इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ सीरीज की है, कल हम लोग फिर से रखेंगे क्लास, कल भी वही 8 बजे रखेंगे और कल हम लोग पैरेलल के इनफाइनाइट नेटवर्क भी करेंगे और साथ में कुछ यू नो और भी एक आध इनफाइनाइट नेटवर्क करेंगे और साथ में एक नेटवर्क कैपेसिटर जो कि सीरीज कॉल से सॉल्व नहीं होता है वो कैसे सॉल्व करना होता है उसका भी कल हम लोग इनिशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो कल का एजेंट ऐसे ही रहेगा, नेटवर्क कैपेसिटर्स और साथ में ये जो हम लोग कर रहे हैं इनफाइनाइट नेटवर्क, उसके भी अभी एक दो और क्वेश्चन बचा, तब जाके इनफाइनाइट नेटवर्क का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद हम लोग नेटवर्क कैपेसिटर का। तो कल का टॉपिक, दो टॉपिक मैंने पहले बता दिया, एक है नेटवर्क कैपेसिटर और एक है इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट वी गोना सॉल्व टुडे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज मेनली क्वेश्चन आंसर ही हुआ है, आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को तुम लोगों ने ध्यान से सुना होगा और खुद अटेम्प्ट करके जहां जहां कमी या जहां जहां अटका हुआ है उनको आई होप कि तुम लोगों ने अपने आप रिव्यू किए होंगे क्यों अटका। वैसे तो मैंने सारा कुछ लॉजिकली बताया बट फिर भी ऑब्वियसली अगर कुछ ना होगा तो डेफिनेटली कुछ, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही करें फिर, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, हां बेटा, सर वो मेरे को कुछ डाउट्स थे सर, आज आपके पास टाइम है या बाद में? बेटा पूछो। सर पहली बात तो सर जो बीएम शर्मा है मतलब सिंगेज है फिजिक्स की, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो उसके सॉल्यूशन दे रखे होते हैं इलस्ट्रेशंस के और बैक एक्सरसाइज के भी, लेकिन दिक्कत ये होती है कि कभी कभी लॉजिक को ऐसे लगाते समझ नहीं आता, तो सर उन क्वेश्चंस को मैं क्लास में पूछ सकता हूँ या नहीं, कैसे करूँ? करो ना, वो जो जहाँ पे अटक रहा है ना उसका उस सॉल्यूशन का फोटो भेज देना और सर्कल करके ये क्या लॉजिक है तो मैं देख लूंगा, अगर क्लास में डिस्कशन लायक होगा तो मैं क्लास में कर दूंगा और नहीं तो हाथ के हाथ अगर कोई एक आध लाइन का हिंट होगा तो मैं वो दे दूंगा। ओके सर। और सर यस सर, और सर कुछ और मतलब स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस थे, जैसे सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि बुक में लिख रखा था कि सरफेस डेंसिटी इज हायर इन अ कंडक्टर व्हेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉलर, सर यहाँ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है और ये सब क्या है मतलब? पता क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई बॉडी ऐसे है और ये शार्प कर्वेचर और इधर ये शार्प कर्वेचर है, ठीक है। तो अगर तुम दो जगह पे कंपेयर करोगे द सेम पोटेंशियल, एक काम करो यानी यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है r इनटू है और यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज r1, तो देखते हैं इसका दोनों में क्या डिफरेंस। तो क्योंकि कंडक्टर है तो पोटेंशियल सेम होगा, है ना, तो पोटेंशियल सेम होगा। एक काम करते हैं, एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, एक r ले लो, एक qr ले लो, एक q1 ले लो, एक q2 ले लो, ठीक है। और चलो ठीक है, एक काम करो, एक सिग्मा 1 ले लो और एक सिग्मा 2 ले लो, ठीक है। और पोटेंशियल सेम है यानी a q, q मतलब सिग्मा इनटू एरिया, तो स्फीयर ले रहा हूं a इनटू सिग्मा 1 into 4 pi r square by r, ठीक है ना, ये हो जाएगा पोटेंशियल। और दूसरे का पोटेंशियल क्या होगा, a into sigma 2 into 4 pi small r square by r। Now let me explain what I am doing। मैं मान रहा हूं कि इसका sigma 1 charge density और दूसरे का sigma 2 charge density, ठीक है ना। शार्प होने का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कम। खुद सोचो जैसे इस टाइप का चीज है तो यहां देखो ज्यादा रेडियस है और यहां देखो कम रेडियस, तो हम बोलेंगे ना इसका शार्प है, इसका ब्लंट है या इसका कम शार्प है, ये बोलेंगे ना। तो इट्स अ मैटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये ज्यादा शार्प है
लेकिन क्योंकि एक ही कंडक्टर में है तो यानी पोटेंशियल तो बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर कर दिया। अब इससे क्या रहा देखो कि आर आर ए ए फोर बाई खत्म, आर स्क्वायर ही खत्म, यानी थ्री का स्क्वायर नाइन बाई थ्री, थ्री सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू। अब बताओ सिग्मा टू इसका था और सिग्मा टू का वैल्यू देख रहे हो थ्री टाइम सिग्मा वन है, यानी जो ज्यादा शार्प है देख रहे उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इसका सिग्मा वन है इसका सिग्मा टू है, इसका चार्ज डेंसिटी देख रहे हो सिग्मा वन से ज्यादा। अब क्या ना कि ना इमेट से ये तो अलग अलग बॉडीज कर दिया, अलग अलग बॉडीज तो है पर उसको जस्ट सिर्फ समझने के लिए मैंने, और अगर तुम एक ही बॉडी में दोनों ही बना दोगे एक पार्ट शार्प है और एक पार्ट ब्लंट है तो दैट केस पोटेंशियल तो सेम होना पड़ेगा, तो क्या होगा उधर का चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा और देखना इधर का चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, सो दैट दोनों जगह का पोटेंशियल सेम हो जाए, क्योंकि शार्प और ब्लंट में पोटेंशियल सेम तभी हो सकता है जब शार्प का डेंसिटी ब्लंट वाले का या लेस शार्प वाले का डेंसिटी से ज्यादा हो, ठीक है, जब शार्प वाले का डेंसिटी लेस शार्प वाले के डेंसिटी के ज्यादा हो, दैट मींस मैं क्या लिखूंगा सिग्मा शार्प इज ग्रेटर दैन या सिग्मा मोर शार्प इज ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता चलता है, होता क्या है वो एक्चुअल में? नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं, मान लो कोई कर्व है क्यों, अब ये सर्कल तो है नहीं लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे ना यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, यहाँ का कैसे करोगे, एक काम करो एक सर्कल बनाओ, क्या ये यहाँ पे फिट हुआ, नहीं हुआ ना, एक और सर्कल बनाओ, ये थोड़ा सा बेटर फिट लग रहा है ना, एकदम जब मैच कर जाएगा वहां पे तो हम बोलेंगे कि ये जो सर्कल बना वो उस रीजियन का रेडियस ऑफ कर्वेचर हर रीजियन का अलग अलग हो, तो ऐसे एक सर्कल जिसका कर्वेचर बिल्कुल उस रीजियन के साथ मैचिंग हो जाए उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी कर्व, हर कर्व सर्कल होना जरूरी नहीं है, कोई भी कर्व अगर होगा तो हर पॉइंट पे उसका अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम माना जाएगा, इस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा माना जाएगा, अब जिस तरीके से मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया इसीलिए यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी रहेगा चार्ज का और यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी कम रहेगा, अब क्लियर है? यस सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और था सर, मेरे को वैसे तो बहुत अजीब क्वेश्चन है बट सर अगर कैपेसिटर में हम चार्ज फ्लो करते तो हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कैपेसिटर का स्टडी हम तब नहीं कर रहे हैं जब चार्ज फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर का स्टडी हम तब कर रहे हैं जब चार्ज फ्लो हो कुछ 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 हुआ और चार्ज अब अटक गया, अब हम स्टडी कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज कैपेसिटेंस फील्ड फोर्स, ये तब स्टडी कर रहे हैं जिस वक्त सब कुछ हो चुका है, इवन एनर्जी भी, एनर्जी का मैंने प्रोसेस बताया था पर मैं उस समय एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं जीरो से लेकर कैपिटल की, यानी जब चार्ज सारा एक्युमुलेट हो चुका, इसलिए कैपेसिटेंस में इनिशियली थोड़े बहुत चार्ज फ्लो होता है इधर उधर, लेकिन मैं उस समय उसको स्टडी नहीं कर रहा हूं, मैं उसका स्टडी तब कर रहा हूं जब चार्ज फ्लो वगैरह होना जो था वो हो चुका है और चार्ज अब इकट्ठे हो चुका है एक्युमुलेट हो चुका है, अब चार्ज रुक गया है फ्लो कर स्टैटिक हो चुका है तब स्टडी करो, तो देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, बट देन नाउ दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन ध्यान रखना कैपेसिटेंस हम अगले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे और उस समय हम लोग करंट के अंदर पढ़ेंगे, उस समय का स्टडी करेंगे जिस वक्त चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट या अनस्टेडी स्टेट एनालिसिस, वो हम करेंगे, तो देयरफॉर व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट अ वेरी कंप्लीट क्वेश्चन, क्यों, बिकॉज़ कैपेसिटेंस में दो टाइप का स्टडी होता है, एक होता है जिस वक्त चार्ज फ्लो कर रहा है वो हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे डिटेल, और एक होता है जिस वक्त चार्ज फ्लो करके सब कुछ हो चुका है सेटल हो चुका है उस वक्त का जो स्टडी होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है और वही हम लोग कर रहे हैं, ऐसे मत सोचो कि कैपेसिटर से हम लोग उस समय का स्टडी कर रहे हैं और नाम दे रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नहीं, नाम इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे रहे हैं
क्योंकि हम एंड पे स्टडी कर रहे हैं। बीच वाला हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे, कैपेसिटर हम दोबारा स्टडी करेंगे अगले चैप्टर, तो इट्स इनकम्प्लीट स्टडी दैट वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर, ठीक है ना, अगले चैप्टर में करेंगे। थैंक यू सर। ओके बेटे, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके बेटे, गुड नाइट।